बच्चों को पता है किस चीज का पेड़ है ये? है बच्चों, किसका है? पीले रंग का फूल आता है, बहुत सुंदर। ये लाल कनेर भी है, पिंक। पीला कनेर अलग से जाती है। कनेर का जब फूल होंगे तो कभी शिवालय में चढ़ा सकते हो। सभी को नमस्कार। आज हम हैं हरेला के 19वें दिन में राजकीय माध्यमिक विद्यालय बनियावाला में और बाल वन में। जैसे कि हमने यहाँ पर बाल वन बनाया है राज संस्था ने, तो हम बाल वन में आज उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम पेड़ आज जो लगाया है, हमारे पूर्व निदेशक माध्यमिक मावर सिंह बिष्ट जी हमारे साथ हैं और इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी माध्यमिक विद्यालय के, वो उन्होंने कनेर का आज पेड़ लगाया है। तो सबसे पहले ये जो पेड़ लगा है, मैं इस पेड़ से, ये बच्चे के हाथ में नारा है, इससे शुरुआत करूंगी क्योंकि आज हमारे नारे बोले नहीं गए हैं, तो बच्चे मेरे साथ बोलेंगे। पेड़ लगेंगे जब हर साल, पेड़ लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल, तब होगी दुनिया खुशहाल। पेड़ लगेंगे जब हर साल, पेड़ लगेंगे जब हर साल, तब होगी दुनिया खुशहाल, तब होगी दुनिया खुशहाल। एक और, क्या है जंगल के उपकार, 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 मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ इतना अच्छा वातावरण यहाँ दिखाई दे रहा है, इधर चारों ओर पेड़ लगे हैं, तो क्यों नहीं कि धार संस्था ने सोचा इस धरती को, इस जो ये अच्छा सा प्रांगण है, इसको और सुरम्य बना दिया जाए, सुंदर बना दिया जाए, हरियाली इसको भर दिया जाए। तो आज महावीर सिंह बिष्ट जी हमारे साथ में है, आज उन्होंने ये जो पेड़ लगाया है धार संस्था के साथ में मिलकर के सहयोग से हमारे, और उन्होंने हमारा सहयोग किया है, हम उनका सहयोग कर रहे हैं इस धरती को हरा भरा बनाने में। तो मैं निवेदन करूंगी बिष्ट जी से कि आप हरेला के बारे में और वृक्षारोपण के बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज थोड़ा सा बताइए। धात परिवार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और साथ ही अपने विद्यालय राजकीय हाई स्कूल बनियावाला के पूरा स्टाफ का, यहाँ के प्रधानाचार्य जी का, यहाँ के बच्चों का। कि देखिए, मैं 31 जुलाई को रिटायर हुआ हूँ अपनी सेवाओं से, और पहला जो काम मुझे मिला है वो हरेला के और धात संस्था के पेड़ लगाओ कार्यक्रम से। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है कि जो मुझे धात ने आज दिया है, मैं धन्य हो गया हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपना जो शेष जीवन है वो सामाजिक कार्यों के लिए मैं निर्वहन अपना दे सकूं, व्यतीत कर सकूं, और इसमें धात परिवार ने मुझे जो है ये पेड़ लगाने के कार्यक्रम से, हरेले के कार्यक्रम से जो है ये अवसर प्रदान किया। तो मैं धात पूरे परिवार का जो है ऋणी रहूंगा, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी का, यहाँ के छात्रों का, क्योंकि इससे पहले यहाँ के छात्रों ने मेरे साथ में ये संकल्प ले लिया है कि जितने भी पेड़ लगेंगे उन पेड़ों की चिंता ये बच्चे करेंगे, ये विद्यालय करेगा, ताकि ये विद्यालय अपना अग्रणी योगदान प्रकृति के लिए, इसके संरक्षण के लिए दे सके। तो मैं यहाँ पर जो प्रधानाचार्य जी है, जो उनकी टीम है, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उन सब से अनुरोध करेंगे कि इस मुहिम को वो कंटिन्यू रखें। और आवश्यकता इस बात की है, केवल ये हमारा सिंबॉलिक काम नहीं होना चाहिए कि हमने पेड़ लगा दिया, बल्कि ये पेड़ कल जो है बड़ा पेड़ बनकर के उभरे। और जो आज हमने कनेर लगाया है, तो ये कनेर उस दिन हमको बताएगा कि भाई हाँ, आपने हमें लगाया था और मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। जब ये कनेर हमको अपने पुष्प जो है अर्पित करेगा बसंत ऋतु में, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप धात संस्था का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद बिष्ट जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप शिक्षा विभाग से आप सेवानिवृत्त हुए और तुरंत धात ने आपको अपने हमारी अपने उसमें शामिल कर लिया कि हम भी आपके जो अच्छे कार्य हैं, जो आप इतना शिक्षा विभाग में दिया है, धात संस्था के साथ मिलकर भी आप हमारे साथ इस धरती को हरा भरा करने में हमारा सहयोग प्रदान करेंगे। और अब मैं निवेदन करूंगी विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से कि दो शब्द आप भी इस वृक्षारोपण के अवसर। धात संस्था का बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने जो है 2-3 साल से यहाँ पर काम किया, मैं तो अभी आया, 2 साल हुए में मुझे यहाँ पर। तो मैं जब से यहाँ पर हूँ तो आप लोगों से जो है बातचीत करता रहता हूँ और जितना भी आप लोग सहयोग मांगते हैं मैं सहयोग देता रहता हूँ, क्योंकि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है पेड़ लगाना। पेड़ लगाना जो है एक
बहुत पुण्य का काम है और ये लोग कर रहे हैं तो हम भी इसमें सहयोग कर रहे हैं, हमारे पूरा स्टाफ सहयोग कर रहे हैं, हमारे जो है बच्चे भी सहयोग करते हैं, हमारा एक फोर्थ क्लास भी है वो बेचारा यहाँ पर जो है पानी लगाता है, इसकी साफ सफाई भी करता है अकेले दम पर, और मंगाई जी का बहुत जो सहयोग रहता है उसको प्रेरित करने में, और हम भी उनको सहयोग देते हैं। तो पेड़ लगाना पुण्य का काम है, मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये इस देश में फैले, उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में फैले ये कॉन्सेप्ट, और सब लोग जो है पेड़ लगाएं और इस धरती को हरा भरा बनाएं और अच्छा सा मतलब कार्य करें, और इस पुण्य काम में सब जो है अपना सहयोग दें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। वास्तव में आप सबका, पूरे विद्यालय का, बच्चों का सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, तभी ये जो वन है आज, इसके जो पेड़ जो पिछले साल हमने लगाए थे उससे पहले लगाए थे, सब फल फूल रहे हैं अच्छी तरह से। और मैं बाकी सभी से निवेदन करूंगी कि आप भी अगर चाहते हैं इस दुनिया में थोड़ी सी हरियाली लाना, जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं कि अपने हिस्से के की धरती को सुंदर बनाइए, तो सारी धरती जब सब अपने अपने हिस्से की धरती को सुंदर बनाएंगे तो वास्तव में सारी धरती सुंदर बन जाएगी। तो हम सबसे अपील करते हैं कि अगर आप चाहते हैं दुनिया को सुंदर बनाना और आपके पास स्थान नहीं है तो आप धार संस्था के साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सभी पे दिए हुए हैं। तो आप संपर्क करके इस दुनिया को सुंदर बनाने में मात्र 100 रुपये माह का या 1200 रुपये एक का सहयोग करके आप एक पौधे को वृक्ष बनाने में हमारा सहयोग कर सकते हैं और इस दुनिया में एक नेक काम में अपना सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद।